हाय दोस्तों, हमारी ऑडियंस में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए डेडिकेटेड है। अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी बजा दो। और हाँ, इस वीडियो के एंड में हमारे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए एक स्पेशल मैसेज है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये कहानी एक कोटा के प्रोफेसर की सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड है। 2011 में विनीत को फाइनली उसकी ड्रीम जॉब मिल गई थी। उसे कोटा के एक फेमस इंस्टीट्यूट में एक टीचिंग फैकल्टी का रोल मिला था। वो अपना जॉब का ऑफर लेटर मिलते ही कुछ दिनों में कोटा पहुंच गया था। मगर दिक्कत की बात ये थी कि उसे रहने के लिए कहीं पे भी कोई फ्लैट नहीं मिल रहा था। क्योंकि वो एक बैचलर था, इसलिए ज्यादातर लोग उसे फ्लैट देने में कतरा रहे थे। 4 दिन हो गए थे पर विनीत को फ्लैट ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आखिरकार एक ब्रोकर की हेल्प से उसे एक फ्लैट मिल गया। पर एक अजीब बात यह थी कि जहां उसे दूसरे फ्लैट्स में अपने बैचलर होने की वजह से इतनी दिक्कत हो रही थी, वहीं ये फ्लैट उसे आसानी से मिल गया था। मगर ज्यादा ना सोचते हुए विनीत ने वो फ्लैट ले लिया। शुरुआत के कुछ दिन बहुत ही अच्छे बीते। विनीत कोटा के लोगों से घुल मिल रहा था और अपना काम बहुत एक्साइटमेंट से कर रहा था। रोज की तरह विनीत अपने लेक्चर्स खत्म करके घर पहुंचा और थकान होने की वजह से वो सीधा सोने चला गया। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। विनीत जब सो रहा था तो उसे अचानक ऐसा लगा कि कोई काला साया उसके ऊपर चढ़कर बैठ गया है। विनीत को ऐसा लग रहा था कि उस साये का चेहरा विनीत के चेहरे के बेहद करीब था, इतना करीब कि विनीत को उसकी सांसें भी अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं। विनीत की बेचैनी बढ़ने लगी और अचानक वो हड़बड़ा कर उठ गया। विनीत ने उस कमरे की लाइट जलाई मगर उस कमरे में विनीत के अलावा और कोई भी नहीं था। खिड़कियां खुली हुई थीं और हवा चलने की वजह से कमरे के पर्दे भी तेजी से हिल रहे थे। उस कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन विनीत घबराहट के मारे पसीने में तर खड़ा था। उसे लगा कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा है। उसने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे और अब विनीत की आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। नींद ना आने की वजह से वो अपने स्टडी टेबल पर बैठकर एक किताब पढ़ने लगा और अपनी कल की क्लास के लिए तैयारी करने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे फील हुआ कि जैसे कोई काला साया उसके पीछे मंडरा रहा हो। विनीत ने मुड़कर देखा मगर वहां कोई नहीं था। रात भर हल्की हल्की आहटों के चलते वो बार बार कुछ देर में पलट कर देखता रहा मगर वहां कोई भी नहीं होता। इसके चलते ना वो रात भर सो पाया और ना ही पढ़ पाया। विनीत की अगली रातें भी कुछ ऐसे ही बीतीं। वो बीच रात फिर वही सपना देखता और उठ जाता और फिर पूरी रात घबराहट में बिता देता। उसे लगने लगा कि शायद वो थोड़ा पागल हो रहा है। एक रात जब विनीत घर आया तो उसने देखा कि उसकी सारी किताबें उसके बुकशेल्फ से गिरी पड़ी थीं और उसके नोट्स पर इंक फैली हुई थी। विनीत ये देखकर डर गया। उसने देखा कि उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी तो उसे लगा कि शायद तेज हवा के चलते उसकी किताबें नीचे गिर गई होंगी। वो अपनी किताबें समेटने लगा और वापस उन्हें अपनी टेबल के ऊपर रखने लगा। लेकिन तभी विनीत को फिर से ऐसा लगा कि कोई काला साया
उसके पीछे मंडरा रहा है। जब वो पीछे मुड़ा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि एक 16-17 साल की लड़की उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई है और उसे घूर कर देखे जा रही है। उस लड़की के बाल बिखरे हुए थे, आंखों के नीचे बड़े बड़े काले गड्ढे थे और कपड़ों पर धूल जमी थी। उसकी गर्दन पर एक बहुत ही भयानक चोट का निशान था। अचानक उस लड़की ने अपनी गर्दन टेढ़ी की और वो विनीत को देखकर मुस्कुराने लगी। उसकी आंखें भी अचानक ही सफेद पड़ गईं और फिर एकदम से वो वहां से गायब हो गई। विनीत को समझ नहीं आया कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ है। उसे लगा कि उसका पागलपन बढ़ता जा रहा है और उसे कोई पागलपन का दौरा पड़ा है और वो ये सब कुछ हेलुसिनेट कर रहा है। वो सहमा हुआ नीचे गार्ड के पास गया, लेकिन गार्ड वहां नहीं था। फिर वो अपनी सोसाइटी के सामने वाले जनरल स्टोर पर गया। पिछले कुछ दिनों में उस स्टोर के मालिक से विनीत की अच्छी बातचीत होने लगी थी। विनीत को ऐसा डरा हुआ देख स्टोर के मालिक ने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है। विनीत ने उसे बताया कि उसका कोटा में मन नहीं लग रहा है और उसे लग रहा है कि धीरे धीरे वो पागल होता जा रहा है। ये सुनकर उस स्टोर वाले ने विनीत से पूछा कि वो सामने वाली बिल्डिंग के कौन से फ्लैट में रहता है। जब विनीत ने अपना फ्लैट नंबर उसे बताया तो वो एकदम से शॉक हो गया। उसने विनीत से पूछा कि क्या उसे उस फ्लैट के बारे में सब पता है। विनीत को कुछ समझ नहीं आया तो स्टोर वाले ने उसे बताया, विनीत के वहां आने से कुछ साल पहले एक माँ अपनी बेटी के साथ उस फ्लैट में रहा करती थी और पढ़ाई के प्रेशर की वजह से उसकी बेटी ने उसी फ्लैट में सुसाइड कर लिया था और तब से वो जगह खाली पड़ी है। जब विनीत ने ये किस्सा सुना तो उसका दिल ये सब सुनकर जोरों से धड़कने लगा। मतलब जो भी विनीत इतने दिनों से महसूस कर रहा था, जिस लड़की को उसने अपने दरवाजे पर देखा था, वो कोई हेलुसिनेशन नहीं था, वो सब सच था। विनीत मानो ये सब सोचकर कांप रहा था। लेकिन उस रात फिर से उसे उसी घर में वापस जाना था। वो किसी तरह रात काटने के लिए उस घर में वापस चला गया और अपने कमरे में भगवान की फोटोज रख ली। उसने सोच लिया कि वो सुबह होते ही उस घर से अपना सामान लेकर कहीं और चला जाएगा और यही सोचकर वो नींद की गोली खाकर सो गया। लेकिन अचानक पंखे से कुछ अजीब सी आवाज आने लगी जिसकी वजह से विनीत की नींद टूट गई। जब उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसकी सांसें मानो रुक गईं। पंखे से उसी लड़की की लाश लटकी हुई थी जो विनीत के उठते ही पल भर में गायब हो गई। उसके बाद विनीत ने ना वक्त देखा और ना ही किसी सामान की परवाह की। वो चीखता हुआ उस घर से बाहर दौड़ गया। उसने बची हुई रात एक होटल में काटी और अपने मकान मालिक को कॉल करके बहुत सुनाया। अगले ही दिन उसने अपने एक दोस्त की मदद से वो घर खाली किया और वहां से बहुत दूर कहीं रहने चला गया। गाइस, कैसी लगी आपको ये कहानी? कहते हैं कोटा एक फैक्ट्री है जहां बच्चे पढ़ने आते हैं और उन पर तरह तरह के प्रेशर्स होते हैं। लेकिन सिर्फ कोटा में नहीं, हर जगह हमको लाइफ में कई प्रेशर्स का सामना करना पड़ता है। कभी हमें सक्सेस मिलती है तो कभी हम फेल भी होते हैं। लेकिन जब हम फेल होते हैं तो हमारे पास हमेशा दो रास्ते होते हैं। या तो हम उन फेलियर्स के बारे में सोच सोच के परेशान होते रहें या हम अपने फेलियर्स से कुछ सीखें और आगे बढ़ें। चॉइस हमेशा हमारे पास होती है। अगर आप हमसे अग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारी अगली स्टोरी के लिए स्टे ट्यून्ड।